वाराणसी में बीजेपी प्रत्याशी ने आचार संहिता की धज्जियां उड़ा दी। मतदान केंद्र पर पार्टी का गमछा डालकर पहुंची बीजेपी प्रत्याशी। जी हां, गले में कमल के फूल वाला गमछा डालकर पहुंची मृदुला जायसवाल। बीजेपी प्रत्याशी ने मतदान केंद्र पर लोगों से वोट भी मांगा, जो एक के बाद एक आचार संहिता की धज्जियां उड़ाती चली गई। मतदान केंद्र के अलग अलग कमरों में जाकर वो वोट मांगती नजर आई। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो वहां पर अधिकारी बैठे थे, जो भी चुनाव कर्मी बैठे थे, उन्होंने भी इस दौरान उन्हें नहीं रोका, वो सिर्फ देखते रहे। चौखंबा के अग्रसेन इंटर कॉलेज के बूथ का यह मामला है, जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी पहुंची और अपने पार्टी के चुनाव चिन्ह वाले गमछे के साथ पहुंची और फिर यहां लोगों से वोट की अपील करती भी नजर आई। और ये सब कुछ चुनाव अधिकारियों के सामने हो रहा था। तो अगर मैडम को याद नहीं था आचार संहिता के नियम, तो उनको याद दिलाए जा सकते थे, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया। ये यदि हमारे दल के तो नहीं होंगे, कहीं और लगाए होंगे, तो आचार संहिता का उल्लंघन है, नहीं लगाना चाहिए। कहीं भूल से आ गई हुई किसी कार्यकर्ता ने, जैसे कहीं पर भी हमारे ऊपर कार्यकर्ताओं ने दूर पर एक झंडा लगा दिया तो मैंने हटाया उसको, होता है सब।